बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और लगातार न्यूज़वर्ल्ड इंडिया आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। जो चुनावी कवरेज है न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की लगातार बरकरार है। झांसी से मेरे सहयोगी मोहम्मद इमरान, वहीं एटा से मोहम्मद आसिफ लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करें। उससे पहले आपको बता दूं कि पंजाब में भी आज 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और यहां पर एक ही चरण में मतदान होना है। इसके अलावा एक और खबर सामने आई थी कन्नौज के तीरवा विधानसभा से, जहां पर सोरी कस्बा के मतदान केंद्र में जो वार्ड नंबर 11 है वहां पर 1 घंटे से ईवीएम मशीन जो है वो बंद थी, जिसके बाद लंबी लाइनें लगी हुई थी, मतदाता मतदान नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जल्द ही ये कहा जा रहा था कि इस समस्या को सुधार लिया जाएगा। इसी बीच एक और खबर ये सामने आई है कि शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि करहल से अखिलेश यादव की जीत पक्की है। एसपी सिंह बघेल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं जनता से कि मत का इस्तेमाल जरूर करें, आपका अधिकार है, और पहले मतदान करें फिर जलपान करें। न्यूज़वर्ल्ड इंडिया भी लगातार आपसे कह रहा है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में आपको भी सबसे पहले लगातार मतदान करना है, जलपान बाद में करना है। मोहम्मद इमरान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं झांसी से, वहां उनका मैं रुख करूंगी। इमरान, झांसी में कैसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? अब 2 घंटे का समय बीत चुका है मतदान को लेकर, तो ऐसे में कितना वोटिंग प्रतिशत अब तक हो चुका है? देखिए, झांसी में इस वक्त जो है मतदान जो है, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। यहाँ पर सुबह से कतारें जो है वो लंबी लंबी यहाँ पर लगना शुरू हो गई थी और लोग अपने मत प्रयोग कर रहे हैं और लोगों का कहना है इस बार जो वो मत का प्रयोग करेंगे उस स्वास्थ्य को लेकर, विकास को लेकर, उस शिक्षा को लेकर यहाँ पर जो है वो मत का प्रयोग करेंगे। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बूथ है जहाँ पर एक लंबी अंदर को जो है कतारें भी वहाँ पर लगी हुई है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल इमरान, अगर झांसी की हम बात करें तो बुंदेलखंड, देखिए पूर्वांचल को हर कोई याद रखता है, पश्चिम को हर कोई याद रखता है क्योंकि पश्चिम को माना जाता है जाटलैंड, पूर्वांचल को माना जाता है कि ब्राह्मणों का गढ़ है। ऐसे में ये कोशिश जारी रहती है कि इन पर ज्यादा से ज्यादा खेला जाए, लेकिन बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, या फिर अगर राजनेताओं की हम बात करें तो वो भूल जाते हैं अपने चुनाव प्रचार में। लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ये कहती कि हमने बुंदेलखंड के बारे में एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सोचा है, हम बुंदेलखंड को भी विकसित करना चाहेंगे, जो समस्याएं हैं वहां की उसे हम उजागर करेंगे, उन्हें दुरुस्त करेंगे जल्द से जल्द। ऐसे में बुंदेलखंड वासी क्या सोच रहे हैं आज, क्योंकि आज मतदान हो रहा है, आज उनका दिन है, उन्हें फैसला लेना है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन उनके लिए सही कर सकता है कौन उनके लिए नहीं कर सकता है। देखिए, बुंदेलखंड जो है हमेशा एक पिछड़ा क्षेत्र रहा है, यहाँ की जो समस्याएं मुख्य रूप से रही है वो एक तो यहाँ पर पानी की हमेशा बहुत बड़ी समस्या रही है, यहाँ बुंदेलखंड में जो सूखा है वो हमेशा यहाँ पर पर्दा चलाता है, यहाँ पर किसान जो है वो बहुत परेशान रहता है। झांसी भी एक बुंदेलखंड की सीटों में आती है, झांसी की बात करें या बुंदेलखंड की आप बात करें, यहाँ पर विकास तो हुआ है लेकिन बुंदेलखंड का नहीं हुआ है, यहाँ पर चुनाव जितने मतलब हुए हैं तो यहाँ की जो प्रत्याशी जब जीतने के बाद विधानसभा में जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं तो विकास यहाँ की जनता के मुताबिक उनका होता है। बुंदेलखंड का हाल वही है जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले था। आज भी यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं वो ठीक ठाक है लेकिन देहात की जो सड़कें हैं या जो मोहल्लों को या फिर जो गांव को जोड़ती हैं उन सड़कों का हाल आज भी वही है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था। तो यहाँ की आवाम जो कहती है कि विकास तो यहाँ का हुआ है लेकिन यहाँ के नेताओं का हुआ है। बता रहे हैं बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या रहती है क्योंकि सूखे की स्थिति लगातार वहां पर बनी रहती है। इसके अलावा विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो इस बार जनता ने क्या सोचा है, क्या जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत है वो समझ पा रही है? देखिए, बुंदेलखंड में इस बार जो एक तबका है वो पढ़ा लिखा है, जो इस बार मत का जो अपना प्रयोग किया है जो उसे नए मतदाता है, उनका रुख है कि वो जो अपने मत का प्रयोग करेंगे वो शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर करेंगे।
यानी जनता भी ये कह रही है कि अब बहुत हो गया, बहुत सरकारें आई, बहुत गई, बहुतों ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अब हमें जो जरूरत है, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अगर कोई निपटारा करता है समस्याओं का तो ही हम मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड का ये जो 19 सीटों पे चुनाव है, बुंदेलखंड में लगभग अभी 19 सीटें हैं, 19 सीटों पे जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की का कब्जा है, लेकिन विकास के नाम पर आज भी हम कहेंगे कि विकास के नाम पर बुंदेलखंड को आज तक छला गया है और आज भी वो छला ही जा रहा है। लेकिन इस बार जो नए मतदाता हैं या जो जो मतदान कर रहे हैं उनका कहना है वो इस बार जो अपने मत का प्रयोग करेंगे सिर्फ वो बुंदेलखंड का विकास चाहते हैं, यहाँ की जो शिक्षा जो बदहाली शिक्षा का जो बदहाली का स्तर है उसको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर जो देहातों में है वो बहुत बड़ी है, उसके लिए भी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा इमरान, अगर झांसी की हम बात करें तो झांसी में हम देखें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, उन महत्वपूर्ण सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, क्योंकि भीड़ तो मैं काफी ज्यादा आपके पीछे देख पा रही हूँ। देखिए झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं, झांसी है, झांसी सदर है, सरोपा है, उसके बाद मऊरानीपुर और बदीना है। इन 4 सीटों में जो है झांसी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त कब्जा है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये अपना पूरी एक रणनीति बनाए कि बीजेपी को यहाँ से कैसे बाहर किया जाए। और यहाँ का जो अभी तक वोट स्थिति से लगभग 13-14% यहाँ पर जो है अब तक इस समय तक आज के वक्त तक वो प्रतिशत यहाँ पर मतदान उतना हो चुका है। जी बिल्कुल, झांसी नगर की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रवि शर्मा है, वहीं सपा ने सीताराम कुशवाहा को मैदान में उतारा है, इसके अलावा बसपा ने कैलाश साहू और कांग्रेस ने राहुल रिछरिया को उतारा है मैदान में। क्या चारों में कांटे की टक्कर है या सिर्फ सपा बसपा यहाँ पर नजर आता है या फिर बीजेपी और सपा? देखिए यहाँ पर जो ये चार मुख्य जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी से जिनको टिकट मिला है, उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तो वहां से वो उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, वहां पर उन्हें यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया है। इस वक्त जो यहाँ पर जो टक्कर रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में रहेगी। लोगों का कहना था कि इस वक्त जो है यहाँ का चुनाव का जो समीकरण है वो एक एमआईएम पार्टी का विवाद करते हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी यहाँ पर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर कई टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। राहुल कश्यप भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं महोबा से। राहुल, महोबा में कैसा अभी नजारा देखने के लिए मिल रहा है? क्या वो संख्या जिसकी उम्मीद सभी को है कि भारी संख्या में मतदाता जाएगा, वोट करेगा, वो संख्या नजर आ रही है? क्योंकि 2 घंटे अब बीत चुके हैं मतदान शुरू हुए। घर से मतदान के लिए निकल रहे हैं और सुबह से जो है मतदान की संख्या है बढ़ रही है, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बूथ बना हुआ है, यहाँ पर जो है जगह जगह बूथ बना हुआ है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। महोबा के कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं राहुल? जी जी मैं आपको बता दूं कि विकास के नाम पर जो है वोट डाला जा रहा है और जो है सरकार से बड़ी उम्मीदों के साथ जो है मतदान कर रहे हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, बीजेपी से यहाँ पर राकेश गोस्वामी हैं, इसके अलावा जो सपा से हैं वो मनोज तिवारी हैं, बसपा से संजय कुमार साहू और कांग्रेस से सागर चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है महोबा में, किसके बीच कांटे की टक्कर है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी टक्कर तो कांग्रेस दे रही है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर, और जो है दोनों ही इसमें जो है टक्कर में है, और बाकी जो अदर है दो उनकी तो अभी कोई खास नहीं है, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है वो कांग्रेस दे रही है, वो समाजवादी पार्टी दे रही है। ठीक है, तो आप जाइए मतदाताओं से बात करिए, क्या मुद्दे लेकर वो मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं वो जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, आज नहीं तो फिर 5 साल और इंतजार करना होगा। जी जी आप मतदाता जैसे कि हैं, आइए चलते हैं और जो है मतदाताओं से जो है कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो किन मुद्दों को लेकर जो है कुछ महिलाएं भी बाहर नजर आ रही है, सबसे पहले उनसे ही बात करिए। हाँ, महिलाएं भी नजर आ रही, आपने मतदान किया है क्या? अच्छा,
तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है, किस वजह को लेकर जो है मतदान किया है आज आपने? वोट दिया है तो क्या सोचकर वोट दिया है कि विकास होगा या विकास नहीं होगा? क्योंकि आज जो पर्व है, अगर आज जो मतदान आपका अगर वेस्ट जा रहा है तो फिर 5 साल वही झेलना पड़ेगा। अच्छा, विकास को सोच कर किन मुद्दों को लेकर दिया है जो है वोट आपने जो किया है, किन मुद्दों को लेकर दिया है? विकास अच्छा लगे और कुछ हो, मतलब जैसा कि ये बता रहे हैं विकास को लेकर वोट दिया है। यहाँ पे और भी जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं इनसे भी बात करेंगे। क्या आपने मतदान किया है जी? तो किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पे मतदान किया है? क्या चाहते हैं महोबा में ऐसा कि यहाँ डेवलप होना चाहिए या विकास होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है यहाँ पे? और भी कोई मुद्दे हैं अपने महोबा में जिन मुद्दों को लेकर आपने भाई एक मजबूत सरकार बना रहे हैं आप? यहाँ अच्छी तरक्की हो, महोबा का विकास अच्छा हो। अच्छा, महोबा का विकास के लिए आपने वोट किया? महिला सुरक्षा को लेकर भी पूछ लीजिएगा राहुल, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर जो आप सरकार है, क्या इसमें महिला सुरक्षा को लेकर नहीं है? अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर भी किया हुआ जी, काफी डेवलपमेंट हुआ है। 5 सालों से खुश है माता जी? 5 सालों से खुश है इसका मतलब? 5 साल जो है अब जो निकले हैं, क्या 5 सालों से खुश हैं आप? जैसा कि ये बता रहे हैं कि 5 सालों में जो है अब भी खुशी है, ठीक है, और विकास को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने आज यहाँ पे अपना मतदान किया हुआ है और बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पे मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी तो भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाएगा, क्योंकि कन्नौज से खबर आ रही थी कि ईवीएम मशीन खराब हो गई और वहाँ पर 1 घंटे तक मतदाता बाहर खड़े रहे, ऐसी कोई तस्वीर तो यहाँ नजर नहीं आ रही है महोबा में? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। राहुल, आपके पीछे और भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं, उनसे बात कीजिए क्योंकि आज एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या आप मतदान करने आए हुए हैं? आपने अभी तक मतदान किया है? अच्छा, तो मतदान करेंगे, किस बात को लेकर आज मतदान करेंगे, किस विकास को लेकर, किस मुद्दे को लेकर बात करेंगे आज मतदान करेंगे आप यहाँ? अच्छा, पढ़े लिखे नहीं? अरे तो विकास तो चाहते होंगे गांव में, शहर में विकास तो चाहते होंगे, हैं? विकास बढ़िया हुआ। अच्छा, सरकार ने उनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते होंगे, उनके बेहतर भविष्य के लिए इन 5 सालों से खुश है या कुछ और बदलाव चाहते हैं? इन 5 सालों में क्या खुश हैं आप या ना खुश हैं? अच्छा, इन 5 सालों में खुश हैं आप, तो आज जो वोट करने आए इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जैसा कि ये बता रहे हैं कि 5 सालों में ये जो है खुश हैं और इसी मुद्दों को लेकर जो है ऐसे ही विकास की ओर वोट करेंगे ये। चलिए राहुल, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। फिलहाल मैं ऐठा का रुख करूंगी आसिफ, बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, पहले भी हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आपने बखूबी बताया कि किस तरह से वहां पर जनता पहुंच रही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, क्योंकि 2 घंटे का समय अब बीत चुका है। आसिफ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आसिफ, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? पहले भी आपसे बातचीत की है, बखूबी आपने बताया जी, किस जी, तरह की तैयारियां हैं, क्या है, मतदाता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? जी, मेरे 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 पीछे तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं जिस टाइम लाइव स्ट्रीम था उस टाइम जो मतदाता थे बहुत कम ट्यूब में निकल रहे थे, लेकिन अब मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लोग आप अपने मत का प्रयोग करने की लगातार निकल के आ रहा है। महिला हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, अपने मत का प्रयोग कर रहा है विकास को, शिक्षा को, किस तरीके, देखना यह है कि इस बार जनता किसका मूड बनाकर मत का प्रयोग कर रही है। मतदाता क्या आसपास मौजूद है, उनसे बातचीत हो सकती है? आसिफ, पहले भी आपने बात की है लेकिन हम जानना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं उनका रुख क्या है? मेरे साथ एक मतदाता आई है, अभी करते बात करने की कोशिश करूंगा मैं इनसे। हेलो सर, मैं लाइव पे हूँ। आसिफ बात करिए उनसे। जी जी जी, क्या नाम है आप? आज आप मत कर आई हैं, किस बातों को, किस उम्मीद को लेकर?
टेक्स विकास क्या मुद्दे रहे जिसे आपने वोट किया है? यार प्रधानमंत्री ही तो ये बताया जा रहा है कि ये बीजेपी को वोट डालकर आएंगे, बता रहे हैं योगी जी जीतेंगे। कोई मतलब वोट बड़ा तो नहीं है ना सर, अरे तो प्रॉपर नहीं, कोई उम्मीद तो नहीं है ना। चलो चलिए ठीक है, फिरोजाबाद से किशन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी, आसिफ बाद में आपके पास आऊंगी। किशन कैसी तस्वीर है फिरोजाबाद में? किशन बताना चाहूंगा कि इस समय जो हम प्राइमरी स्कूल में खड़े हुए हैं, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग मतदाता या मतदान करने के लिए आए हुए हैं, और जो की सुबह से ही यहाँ 7 बजे से भीड़ लग गई थी, और यहाँ काफी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अभी ये एक मतदाता है, ये अभी वोट डाल के आए हैं, इनका बात करने की कोशिश करते कि किस तरीके का इनका क्या क्या वो रहा, किसको लेकर आगे मुद्दे क्या थे, इन्होंने मतदान करके आए। सर क्या नाम है आपका? सुबोध अग्रवाल। सुबोध जी, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप मतदान करके आए? मुद्दे तो वही है, आप रेगुलर है, क्या क्या मुद्दे रहे? जो मेन मुद्दा है यहाँ विकास का है, और दूसरा महिला। किशन फिरोजाबाद में फिलहाल सबसे पहले ये बताइए कि तस्वीरें कैसी हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, और भीड़ कैसी है मतदाताओं की? इस समय बताना चाहूंगा कि इस समय जो यहाँ पर गेट से लेकर और चारों ओर पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ लगाया गया है, साथ में पुलिसकर्मी भी है, जो कि बाहर किसी भी मास्क के बिना किसी मतदाता को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और यहाँ बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्राइमरी स्कूल है, और ये प्राइमरी स्कूल है, और ये क्या नाम है, लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर ये पुलिस फोर्स खड़ा हुआ है पूरा, और जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो भाई शांति से मतदान चल रहा है। जी मैम। इसके अलावा टक्कर किसके बीच है, मनीष असीजा के बीच या सैफुक रहमान के बीच? जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जो कि अभी तक यहाँ पर 2 बार से विधायक रहे हैं मनीष असीजा जी, और यहाँ पर उनका वर्चस्व ज्यादा माना जाता है। अब तक जो फिरोजाबाद की सीट रही है वो मनीष असीजा भाजपा के कब्जे में रही है। बादलागी आगे की अगर बात करें, यहाँ फिरोजाबाद में 5 विधानसभा है, जो की यहाँ पर शुक्रवार में भी बड़ी कांटे की टक्कर है, वहाँ भाजपा और सपा के बीच में है। और आपके सरकार की अगर बात करें, जो कि अभी जो मुलायम सिंह के समधी है हरिओम यादव जी, और वो इसमें भाजपा में शामिल होकर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो वहाँ पर सपा समाजवादी पार्टी से उनसे कड़ा मुकाबला है, और वही शेषागंज में जो कि यहाँ भाजपा से जिलाध्यक्ष थे वो मानवेंद्र सिंह, उनका मुकाबला वहाँ पर साइकिल से है। अगर टोंडला की हम बात करें तो टोंडला में भी भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि बसपा और कांग्रेस तो बहुत दूर है, कांटे की टक्कर सपा और बीजेपी में ही देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा मुद्दे कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता इस वक्त अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई है? ये बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ मतदाताओं से बात करने की प्रयास किया था, मतदाताओं का कहना है कि यहाँ जो मेन मुद्दे हैं, एक तो विकास को लेकर मुद्दे है, सबसे बड़ी यहाँ की जो मुख्य समस्या है टोंडला विधानसभा की, तो वहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कन्याओं के लिए कोई भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जो कि डिग्री कॉलेज की मांग अब तक शुरू से चली आ रही है। कई भी यहाँ एसपीसी बघेल जो कि कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने भी ये वादा किया था लोगों से कि यहाँ पर कन्याओं के लिए एक डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में जो उपचुनाव हुए, उसके बाद प्रेमपाल धनगर यहाँ बीजेपी से विधायक हुए, उन्होंने भी ये वाली बात कही थी कि डिग्री कॉलेज बनाने की, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज नहीं बनाया गया। जो कि अभी तक बताया जाता है कि कार चल रहा है, लेकिन वो कार अभी तक पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो कि यहाँ की जो कन्याएं हैं,
स्नातक की शिक्षा पाने के लिए आगरा और फिरोजाबाद उनको जाना पड़ता है। ये बहुत किशन, लेकिन लेकिन इन पांच सालों में और इस चुनाव प्रचार में हमने कितनी बार, हजारों बार सुना होगा कि भाजपा कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, हमने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर दी। आप कह रही हैं कि एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है लड़कियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बढ़ चढ़कर यहाँ पर देते हैं। ये बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि हमारी इस मामले में जो कि मौजूदा विधायक प्रेम पर गर्ग है, उनसे भी मेरी हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि यहाँ पर लगभग 200 सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन है और भी कई कार्य उन्होंने बताए, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो कानून व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था के बारे में लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और जो कि लेकिन लोगों को सबसे बड़ी जो यहाँ पर टोला विधानसभा में दिक्कत है वो लड़कियां जो बाहर जाती है फिरोजाबाद और आगरा जाती है, और यहाँ पर जो एक टोला रेलवे जंक्शन जो कि इससे सबसे बड़ा माना जाता है, इसी की वजह से इसका वर्चस्व है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनों का ठहराव है पूरी तरह से इसको टोला रेलवे स्टेशन को खत्म किया जा रहा है। हालांकि रेलवे को क्वार्टर जो सरकारी क्वार्टर थे उनको तोड़ा जा रहा है और बाकी जो एसी से टूटना चलता था रेलवे रेलवे विभाग से, कई विभाग ऐसे हैं जो यहाँ से हटा दिए गए, तो यहाँ का जो वर्चस्व खत्म किया जा रहा है जिस तरीके से। बिल्कुल, इसके अलावा शिकोहाबाद का कैसा हाल अभी नजर आ रहा है, शिकोहाबाद में किसके बीच कांटे की टक्कर है शिकोहाबाद में, क्योंकि यहाँ हम फिरोजाबाद की बात करें, आप कह रहे हैं कि जो कन्याएं हैं जो बालिकाएं हैं उनके लिए कोई डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है, शिकोहाबाद में कैसी तस्वीर है, क्या वहाँ सब चीज ठीक है बेहतर है? शिकोहाबाद की अगर बात करें इस टोला जिले में, सॉरी फिरोजाबाद जिले में, अगर कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था कहीं हद तक लोग इसको सही बता रहे हैं, लेकिन शिकोहाबाद की अगर हम बात करें तो कि मुकेश वर्मा थे पूर्व में बीजेपी में थे और यहाँ पे शिकोहाबाद में पूर्व विधायक भी थे और अब भाजपा छोड़ के वो सपा से टिकट इस समय लेकर लड़ रहे हैं, उनका सीधा मुकाबला जो है ओम प्रकाश वर्मा से है और जो कि समाजवादी पार्टी से है। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कानपुर का मैं रुख करूंगी। विकास चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। विकास, कानपुर की कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए कानपुर देहात से हमने यहाँ चर्चा कर ली, हमारे सहयोगी लगातार वहाँ बने हुए थे, आपसे जानना चाहूंगी कि कानपुर नगर के कैसे हालात हैं? जी काजोल, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जो बूथ है यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाकचौबंद है। सवेरे से ही लोग यहाँ पे जो है वोट डालने के लिए आने लगे हैं और लगभग अभी 10% के आसपास वोटिंग हो भी चुकी है और 10 विधानसभाओं का ये है, जिसमें मैं अपने कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ की व्यवस्था दिखाए किस प्रकार से जो है लोग आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जहाँ पे लोग सवेरे से वोट डालने के आ चुके हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई, यहाँ पे एक रंगोली बनाई गई है जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जाए, अटैक्ट किया जाए वोट डालने के लिए और काफी सुंदरीकरण के साथ में जो है व्यवस्था की गई। अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात कही जाए तो यहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है, बकायदे लोगों का टेम्परेचर देखा जा रहा है, टेम्परेचर देखने के बाद में लोगों को अंदर इंटर किया जाएगा, मास्क वगैरह प्रॉपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 10 विधानसभाओं में 2,16,00,000 मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे और पूरी चाक चौबंद और सुरक्षा के साथ में यहाँ पे व्यवस्था की गई। जी कानपुर कैंट की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी प्रत्याशी है रघुनंदन भदौरिया, वहीं एसपी प्रत्याशी मोहम्मद हसन रूमी है और जो बीएसपी प्रत्याशी हैं मोहम्मद शफी हैं, और इसके अलावा अगर कांग्रेस प्रत्याशी की हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी सोहेल अख्तर अंसारी है। ऐसे में क्या लग रहा है कानपुर कैंट में, कौन बाजी मारने वाला है? ये आपको बता दें कि छावनी विधानसभा जो क्षेत्र है, जो विधानसभा है, ये एक काफी चर्चित विधानसभा रही है। इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना कार्ड खेला है रघुनंदन सिंह भदौरिया, इसके पहले भी रघुनंदन सिंह भदौरिया इसी विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, क्योंकि एक समीकरण देखा जा रहा है क्योंकि ये तो विधायक जी से जनता खुश है, विधायक जी से जनता खुश है एक बार फिर से
ये गलती उन्हें थमाना चाहती है आम जनता? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रघुनंदन सिंह भदौरिया जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसी विधानसभा से रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका कार्यशैली देखते हुए उनको दोबारा टिकट दिया गया है, दोबारा जो है उनको जो है अपना दांव आजमाने के लिए कहा गया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज हम आपको बता दें काजोल, जो रघुनंदन सिंह भदौरिया के सामने जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो है माउंटन हैं, मुसलमान हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला है वो रघुनंदन सिंह भदौरिया का खेला है। क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो वोट बटने की संभावनाएं हैं सारे पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जी काजोल बिल्कुल विकास, और बहुत अच्छे से आप समझा पा रहे हैं, मतदाताओं से क्या बातचीत आप कर सकते हैं, इसके अलावा और जो दूसरी विधानसभा हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं, क्योंकि नजर आपकी सुबह से ही बनी हुई है अलग अलग सीटों पर। जी मैं आपको बता दूं, मैं इस समय गोविंद नगर के विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे वर्तमान के जो विधायक हैं वो महेश त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इनके सामने जो चेहरा लाके खड़ा किया गया है वो अजय कपूर। इसके पहले अजय कपूर ही कांग्रेस से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और जनता के सामने दोबारा आने कांग्रेस से ही टिकट लेकर के वो आए हुए हैं। अगर बात करते हैं हम गोविंद नगर विधानसभा की, तो गोविंद नगर विधानसभा में सुरेंद्र मैदानी जो कि उपचुनाव हुआ था गोविंद नगर विधानसभा में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र मैथानी सीट निकाल करके उपचुनाव में आए हुए थे, उनके सामने जो चेहरा खड़ा किया गया है वो कांग्रेस ने महिला कार्ड खेला है, जिसमें कि करिश्मा ठाकुर भी इसके पहले उपचुनाव में चुनाव लड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ चुकी है और काफी अच्छे वोट भी पा चुकी है। अब इस बार महिला कार्ड खेलते हुए करिश्मा ठाकुर को दोबारा टिकट दिया गया है, और काफी अच्छी टक्कर दोनों में सामने दिखती नजर आ रही है। जी तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि गोविंद नगर में जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस में है? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि कांटे की टक्कर अगर देखी जाए तो गोविंद नगर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियां दिखती नजर आ रही, जहां तक हम लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके आए हुए हैं, देखा है, समझा है वहां पे, तो लगभग लगभग दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। अगर हम बात करते हैं बिठूर विधानसभा की, तो बिठूर विधानसभा में जो वर्तमान के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और इनके सामने मुनीन शुक्ला जो समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से मुनीन शुक्ला इसके पहले अभिजीत सिंह सांगा के पहले विधायक रह चुके हैं उसी विधानसभा से, तो समाजवादी पार्टी ने अपने जो पूर्व विधायक हैं मुनीर शुक्ला को दोबारा टिकट दे करके इनके सामने एक चेहरा रखा है कि जो भी टक्कर होगी वो मुनीर शुक्ला और अभिजीत सिंह सांगा के बीच में होगी। जी काजो बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी है, बीजेपी और सपा के बीच भी है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कानपुर में देखा जा सकता है। अगर कानपुर शहर की हम बात करें, कैंट की बात करें, तो यहाँ पर जिस विकास की दरकार थी इन 5 सालों में आम जनता को, क्या वो विकास पूरा हो पाया है? दूसरा ये कि यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ है कानपुर में कितना बड़ा है सभी ने देखा है, और विपक्ष सरकार को घेरती भी आई है इन 5 सालों में, इसको लेकर आम जनता क्या सोच रही है? इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि कानपुर में हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले जो यहाँ पर बुखार था वो काफी ज्यादा बढ़ा था, ऐसे में डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, जो तस्वीरें थी वो बेहद ही दर्दनाक थी, क्योंकि अस्पतालों से तस्वीरें सामने आ रही थी, हम सब ने वो खबरें देखी हैं, सुनी हैं, तो उसका असर कितना इन चुनावों में देखने के लिए मिल रहा है। और आज का दिन है आम जनता के पास ये चुनने का, ये सोचने का, समझने का कि उन्हें अब कौन सी सरकार चाहिए, वो कौन सी सरकार में खुश है, क्या बदलाव वो चाहते हैं, या फिर अपने विधायक से खुश है, एक बार फिर से उन पर विश्वास जताना चाहते हैं। जी काजल, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो पिछले 2.5 साल तो कोरोना काल पूरी तरीके से जितने भी विधायक हैं, चाहे वो कानपुर के हों, चाहे दूसरे जिलों के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, कहीं भी, ये 2.5 साल कोरोना काल सभी विधायकों को ले गया। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, डेंगू आया,
ये सारी प्रकार की जो है बीमारियां आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग काफी अपने आप में पूरी तरीके से सचेत रहा है, हर चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कोरोना जैसी बीमारी देख करके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एकदम सचेत है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल बहुत ही महंगे पड़ते हैं। एक आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल के लिए जाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि उसकी फीस महंगी है, किताबें महंगी हैं, ये सारी चीजें। अगर हम इसको सरकारी तौर पे देखते हैं तो अभी कुछ दिन ही पहले हमने एक खबर दिखाई थी कानपुर से कि सरकारी स्कूल में शिक्षक ही अपने छात्र छात्राओं से झाड़ू लगवा रहे थे। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। चलिए ठीक है, आपका मैं रुक करूंगी विकास, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है, कानपुर को विस्तार से समझना है, लेकिन उससे पहले मैं इमरान का रुक करूंगी, झांसी से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इमरान, मैं देख पा रही हूँ आपके आस पास कुछ मतदाता है, क्या आप उनसे बातचीत कर पाएंगे? इमरान, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए। इमरान, आपके आसपास मतदाता हैं, उनसे बातचीत करिए, कैसे हाल है झांसी में? बुंदेलखंड की तरफ किसी का रुख नहीं होता, लेकिन वोट पाने के लिए बुंदेलखंड का भी रुख राजनेता कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 5 सालों तक बुंदेलखंड की याद नहीं आती। जी भाई, इस वक्त हमारे साथ बहुत यहाँ पर मतदाता मौजूद है, यंग जो मतदाता है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर बोलते हैं, हम उनसे बात करेंगे। नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ सिंह। अच्छा ये बताइए, बुंदेलखंड जो है वो एक विकास क्षेत्र माना जाता है, जैसा कि कहते हैं यहाँ पर विकास की जो है वो हमें से करनी होती है, तो इस बार आप लोग जो वोट कर रहे हैं वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं ये हमें बताइए। देखिए, पिछले 5 साल में यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी, रोजगार यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, पलायन चरम पर है। इस बार जो वोट यहाँ पे जनता देने जा रही है वो एक भ्रष्टाचारी सरकार को आने के लिए और एक नई सरकार लाने के लिए वोट किया जाए। देखिए, वही चीज जो है वो सामने आ रही है। बुंदेलखंड जो है वो रोजगार की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे कि वो बता रहे हैं कि रोजगार का भी जो एक मुद्दा है जो यहाँ पर अभी जीवित है, और रोजगार के मुद्दे को लेकर भी लोग यहाँ पर जो है वो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हम झांसी की बात करें तो इमरान, यहाँ पर जो व्यवसाय है, जो उद्योग है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि व्यवसायियों को व्यवसाय करने के लिए नहीं मिल पाता है, उद्योग बड़े बड़े नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर लोगों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो इनसे बातचीत करिए, क्या लगता है इस बार इन 5 सालों में क्या खुश हो पाए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बात की है कि हम बुंदेलखंड को वाकई विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, विपक्ष ये कहता है। जी वही बात है, यहाँ पर बुंदेलखंड जो है, ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ से पलायन एक बहुत बड़ी तादाद में होता है, जो देश के बड़े बड़े शहरों में लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में जाते हैं। मुंबई का, महाराष्ट्र का लोग रुख करते हैं, दिल्ली का लोग रुख करते हैं, पंजाब की तरफ भी यहाँ से बहुत से जो है पलायन लोग यहाँ से करते हैं। वही हम बात पूछेंगे, पलायन जो है बुंदेलखंड में मुद्दा है, तो रोजगार में जो सरकार ने काम किया है या नहीं किया है, ये आने वाली सरकार से आप लोग क्या आने वाली सरकार से यू पिक्स है, यहाँ पे कॉटन मिल थी वो बंद हुई है, रानीपोर्ट टेरिकॉट था वो बंद हुई है, सिटी मिल पूरी यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे मूंगफली होती है, उसके प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा सकते हैं, जितना भी जो यहाँ पे क्रूड जो हो रहा है वो उसको प्रोसेस करके एक अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो सकती है। सूखा पड़ने के कारण यहाँ पे किसानी नहीं हो पा रही है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो तो लगाई जा सकती है, इंडस्ट्रियल हब यहाँ पे बनाया जा सकता है, और यहाँ पे इंडस्ट्री लगने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो आम जनता को उम्मीदें, बिल्कुल इमरान, आपने सुना, बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी चाहिए, छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर लगाने चाहिए, ताकि लोगों को पलायन यहाँ से ना करना पड़े, लोगों को दूसरे इलाकों में जाकर नौकरी ना करनी पड़े। चलिए ठीक है, आपका मैं रुक करूंगी। एटा से आसिफ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, एटा में फिलहाल कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, कुछ ऐसी खबर सामने आई है? आसिफ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आसिफ सुन पा रहे हैं मुझे? तो आसिफ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है इमरान, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रही हूँ।
झांसी की हम लगातार समस्याएं जो है वो आज हम उठा रहे हैं। आज मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और जनता जो है झांसी की निकली हुई है वोट डालने के लिए, और ये अब सोच लिया है, तय कर लिया है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप ये बताइए कि अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है झांसी का वो क्या क्या है और इसको लेकर जनता कितनी जागरूक है? क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जनता जागरूक ही नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर। देखिए बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड की, उसके बाद अगर हम झांसी की बात करें तो बुंदेलखंड के साथ साथ झांसी भी जो है सबसे बड़ी जो यहाँ पर मुद्दा है, सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या है वो है जल की। यहाँ पर जब गर्मियां शुरू होती है तो यहाँ पर सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। शहरी क्षेत्र में भी यहाँ पर सूखे की हालत रहते हैं और गांव देहात में भी सूखे का हालत रहता है। शहरी क्षेत्र में यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पैसे देकर पानी जो है वहाँ पर खरीदना पड़ता है, उन पानी को इस्तेमाल में वो लेते हैं। यही हाल यहाँ के गाँव का है। जब वहाँ पर सूखा पड़ता है तो नहर सूख जाती है। सरकार का, किसी भी सरकार का, उसको वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन सरकार को उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। यही हाल है कि बुंदेलखंड में मूंगफली की बहुत बड़ी तादाद होती थी लेकिन आज वो है कहेंगे मूंगफली की जो खेती है वो बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो चुकी है। उसकी एक बड़ी वजह है कि सरकारों का उसको ध्यान न देना और पानी जो है वो ये बहुत बड़ी यहाँ पर वजह मानी जाती है। वही शहरी क्षेत्रों का भी हाल है यहाँ पे लगभग। देखिए बुंदेल इमरान, बुंदेलखंड में पानी की जो समस्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो ऐसे में उनको खेती करने में बहुत मुश्किल होती है बुंदेलखंड में, झांसी की अगर मैं बात करूं। लेकिन अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं, कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देंगे, वही एमएसपी को जो है उसे भी हम लागू रखेंगे, उसके तहत ही हम जो अन्न की जो फसलों की खरीद फरोख्त है वो की जाएगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव पर क्या झांसी की जनता विश्वास जता पाएगी? क्योंकि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना, फिर किसानों की खेती के लिए बिजली मुफ्त देना, बहुत ही ज्यादा अंतर हो सकता है। जी मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जब ये यहाँ पर ये योजना का जब जिक्र किया था तो ये उनके लिए एक सुरक्षा का साबित होगी। देहात में यहाँ पर बिजली की भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है तो 300 यूनिट का जो है वो किसान जो है वो उनकी तरफ कर रहा है और शहरी क्षेत्र का भी उनका जो है कि बिजली के बिल में जो 300 यूनिट जो करीब की बात है उससे भी जो यहाँ का जो नया वोटर है या जो गरीब तबका है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। या यही कहेंगे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर ले रही है। इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शहरों में और देहात क्षेत्रों में ये दो ही पार्टी जो आमने सामने है। बाकी कांग्रेस और उसके अलावा जो बीएसपी पार्टी वो यहाँ पर फाइट में हमें नहीं दिख रही है। जी चलिए ठीक है इमरान, आप बने रहिए और जल्द मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा दर्शकों को बता दूं, कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा से ये खबर सामने आ रही है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 143 पर ईवीएम में खराबी आई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। अभी तक दूसरी ईवीएम मशीन नहीं पहुंची है, ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो रहा है। कन्नौज की अलग अलग विधानसभा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कन्नौज के तीरवा विधानसभा सोरी कस्बा के मतदान केंद्र ऋषि भूमि इंटरमीडिएट कॉलेज पर वार्ड नंबर 11 में एक घंटे से ईवीएम मशीन बंद रही थी, खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लंबी लाइनें लगी हुई थी। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कन्नौज के छिबरामऊ से जहां पर ईवीएम खराब हुई है, बूथ संख्या 143 में ईवीएम में खराबी आई है। अभी तक दूसरी मशीन नहीं पहुंच पाई है जिसके चलते मतदान पूरी तरह से बाधित हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कन्नौज से मिल रही है। कन्नौज के अलग अलग विधानसभा लगातार ईवीएम में खराबी की जो खबर है वो सामने आ रही है जिसकी वजह से मतदान बाधित हो रहा है। भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लंबी कतारें जो हैं वो भी लगातार देखने के लिए मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो दूसरी मशीन है ईवीएम वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से आम जनता जो मतदाता वहां पर पहुंचा हुआ है वो बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि काफी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में घंटों लाइन में खड़े रहना, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार ये कोशिश की जाती है मतदाताओं को कहने की कि पहले आप मतदान करिए उसके बाद जलपान करिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब बार बार ये खबरें सामने आ रही है ईवीएम मशीन खराब होने की, तो ऐसे में आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
तो मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अब हम उनका रुख करेंगे। इमरान झांसी से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और आसिफ भी एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आसिफ का रुख करूंगी। आसिफ, एटा में कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? अब तक तो वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ है, आ चुका होगा? आसिफ आवाज आ रही है मेरी? तो आसिफ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जो भी कमी है, क्यों आवाज नहीं पा रही है, जल्दी से ठीक कीजिए, उसके बाद हम आसिफ का रुख करेंगे। आपको बता दूं कि यूपी में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो मतदान केंद्रों पर, बूथों पर देखी जा सकती है। लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम हर एक विधानसभा में पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किसके बीच कांटे की टक्कर है, कौन कौन सी हॉट सीट है, वो आप टैली के माध्यम से समझ सकते हैं। 2017-2012 का जो सियासी गणित है और 2022 में क्या कुछ होने वाला है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। यूपी चुनाव 2022 के तीसरे चरण का आज ये मतदान है। वहीं अगर मैनपुरी की हम बात करें तो मैनपुरी में 9 बजे तक 9.7% मतदान हुआ है। 107 बूथ जो संख्या है वहां पर 10.5%, वहीं भोगाव में 8.9%, 109 बूथ संख्या किशनी पर 9%, 110 करहल पर 10.5%। करहल बहुत ही हॉट सीट है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर सियासी मैदान में है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांटे की टक्कर एसपी सिंह बघेल उन्हें दे रहे हैं। हालांकि इसी बीच शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता अखिलेश यादव को चुनाव जीतने से। एसपी सिंह बघेल को लेकर उन्होंने कहा था कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, टैली के माध्यम से लगातार आप समझ पा रहे हैं कि इनके बीच कांटे की टक्कर है और कौन कौन चुनावी मैदान में है, कौन कौन सी हॉट सीटें हैं और कौन बाजी मारने वाला है, किसका खेल बिगड़ेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आज शाम तक तस्वीरें कुछ हद तक साफ हो जाएंगी क्योंकि आज की जो सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो गढ़ है वो सपा का हमेशा से रहा है। हालांकि 2017 में जो सियासी गणित था वो काफी बदला हुआ नजर आया था, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में बहुत उम्मीदें अखिलेश यादव से आम जनता को है। ऐसी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब जब आम जनता से बात की जा रही है तो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि अब हमें बदलाव की जरूरत है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इन 5 सालों में कहीं ना कहीं विकास हुआ है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर मतदाता ये भी कह रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ भी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव को मौका देने की तैयारी आम जनता ने की हुई है। तो झांसी से इमरान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, कानपुर से जो विकास है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। किशन का मैं रुख करूंगी। किशन, फिरोजाबाद में कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, फिरोजाबाद में इस समय पूरी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और मैं अब तक बताना चाहूंगा कि लगभग 9.79% यहाँ पर मतदान हो चुका है पूरे जिले में। और जैसा कि अभी सूचना मिल रही है कि यहाँ टूंडला विधानसभा क्षेत्र के गाँव नगला छैपुर है जहाँ पर करीब करीब 3,000 मतदाताओं की संख्या है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक रेलवे की सड़क है जो कि कई बार उसको लेकर लोगों ने मांग की है, लेकिन आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिसको लेकर ग्रामीण नाराज है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क नहीं बनेगी, कई दिनों से लगभग मैं जानता हूँ 15 दिन हो गए, 15 दिन से धरने में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी क्या नाम है, अब तक वहाँ कोई भी प्रत्याशी या किसी ने सरकार के किसी नुमाइंदे ने जाकर गाँव है किशन या फिर कुछ गाँव ऐसे है जिनका समूह वहाँ पर बैठा हुआ है? ये बताना चाहूंगा की जो एक रेलवे की पाइपलाइन पड़ी हुई है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो रेलवे की वजह से वो नहीं बन पा रही है सड़क, वहाँ पर कीचड़ भरा रहता है, लोग काफी परेशान रहते हैं, जिसको लेकर लोग नाराज थे उसको लेकर बताया जा रहा है। अभी सूचना मिल रही है कि वहाँ पर लोग धरने में बैठे हुए हैं और लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। जी मैम, तो क्या आज इस लोकतंत्र के पर्व का वो हिस्सा नहीं बनेंगे? किशन, आवाज ठीक तरीके से आ पा रही है मेरी?
तो किशन तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं इमरान का रुख करूंगी, झांसी से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इमरान, झांसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, झांसी एक वीर भूमि हमेशा से ही रही है। इमरान, आवाज आ रही है मेरी? तो इमरान तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपको बता दें कि तीसरे चरण का आज मतदान है, 59 जो सीटें हैं उन पर आज मतदान हो रहा है 16 जिलों की। और सुबह से ही जो तस्वीरें हैं लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में शाम 6 बजे तक मतदान होना है, 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है कोरोना की वजह से, और जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन भी बखूबी किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगह से इक्का दुक्का ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जहाँ पर ईवीएम मशीन जो है खराब रही है, जिसकी वजह से मतदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, घंटों लाइन में लगना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो मतदाताओं का कम नहीं हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में हिस्सा लेना भी जरूरी है। अगले 5 साल कौन सी सरकार को गद्दी पर बिठाना है ये आज मतदाता तय करेगा। आज की सीटें बेहद अहम, क्योंकि हॉट सीटें हैं। और यहां पर आज हम बात करें तो बहुत जगह से ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे फिरोजाबाद से, कि कुछ गांव ऐसे हैं जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो ग्रामीण सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, पूरी तरह से खराब हैं, और अब तक वहां पर विकास की गति को धार नहीं दी गई है। ऐसे में वो नाराज हैं, उसकी नाराजगी जाहिर वो कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतदान नहीं कर रहे हैं। तो नाराजगी भी है और मतदान की जो खुशी है वो भी पोलिंग बूथों पर लगातार देखने के लिए मिल रही है। कुछ जगह पर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जो वाकई आकर्षित कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जो आकर्षित कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंच सके। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई ये चाहता है कि देखिए, अगर युवाओं की हम बात करें जो 18 प्लस होता है, पहली बार जो मतदान कर रहा है, उनके अंदर वो क्रेज होता है कि हम सेल्फी लें और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। तो ये भी एक जरिया होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज दिया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि आप घरों से निकलिए और मतदान करिए। तो वो पूरी जो परिस्थिति है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त हमें देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार चुनावी कवरेज बरकरार रख रहा है और इसी की कड़ी में हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद इमरान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं झांसी से। इमरान, झांसी की हम बात करें तो झांसी वीरों की भूमि रही है हमेशा से ही, यहां से कई वीर निकले और कई वीरांगनाएं भी निकली हैं। तो ऐसे में अब ये बताइए कि झांसी को कितने विकास की जरूरत है और कितना विकसित हो जाना चाहिए था, जिसकी उम्मीद आम जनता को थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, झांसी में वीर तो बहुत हुए, लेकिन झांसी को जो पहचाना जाता है वो झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही पहचाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो यहाँ पर जो है उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। लेकिन जो हम विकास की बात करें तो झांसी को विकास की आज बहुत जरूरत है। विकास यहाँ पर कतई नहीं है, विकसित ये हुआ नहीं है। यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बेहाल है। तो यहाँ पर विकास की तो हमेशा जरूरत रही है। कई सरकारों ने वादे किए, दावे किए, लेकिन वादे और दावों पर वो खड़ी सरकारें नहीं होती है। विकास की इस वक्त जरूरत है। अब जो यहाँ की जो जनता है वो अब की बार मतदान के जरिए वो चाहती है कि यहाँ पर सरकार का शायद कुछ बदले या सरकार जो है वो यहाँ पर दूसरी आए और विकास की जो है उससे आस लगाए बैठी है कि विकास उसे यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, यहाँ की सड़कें मिल जाए, यहाँ के जो यहाँ पर जो पानी की समस्या बनी रहती है वो दूर हो जाए। बिल्कुल इमरान, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कुछ लोग हैं जो शायद बात करना चाहते हैं, उसी वजह से कैमरे की तरफ भी वो देख रहे हैं, तो उनसे बात कर लीजिए, शायद हो सकता है कि अपनी बात वो रखना चाहते हो। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर है, ये भी एक नई उम्र के जो है वोटर दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपने वोट डाला? हाँ डाला। तो किस आधार पर, किस मुद्दे को लेकर आपने आज वोट डाला है? मैं तो युवा हूँ तो रोजगार को देख के ही वोट डाला। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। हम जिससे बात करते हैं वो यहाँ पर रोजगार की, यहाँ पर विकास की, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करता है। वही जिससे मतदाता से हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये मुद्दे हैं, ये मुख्य मुद्दे हैं जो यहाँ पर बने हैं। बिल्कुल इमरान, यानी हम समझ सकते हैं कि रोजगार यहाँ की जनता को बेहद जरूरी, क्योंकि आप पहले भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दूसरे शहरों के रुख करते हैं किसी भी काम के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसे भी युवा थे, कह रहे थे कि फैक्ट्री लगाना बेहद जरूरी है ताकि यहाँ का युवा यहीं पर बने रहे, उन्हें रोजगार मिले, उन्हीं के क्षेत्र में परिवार से दूर ना रहना पड़े।
देखिए यहाँ का जो युवा है वो दिल्ली महाराष्ट्र यहाँ पर जो रुक करता है, जब वो यहाँ पर पढ़ लिख कर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता। और भी कुछ युवा है शायद बात करना चाहते हैं आपसे। जी मैं बात यहाँ पर बहुत से लोगों से करूंगा। भाई नाम बताओ। सुनील रायगढ़। सुनील जी, आज आपने यहाँ पर वोट डाला है तो किस आधार पर, किस मुद्दे को लेकर आज आपने वोट डाला है? वो नवाज हुए अच्छा हो, वो पार्क बन गए हैं, किले में सफाई हो गई, महंगाई कम हो, सब चीज हो। आपका नाम क्या है? अजू, आज आपने जो वोट डाला है किस मुद्दे को डाला है बताइए। ये कि एक माता जी भी नजर आ रही है, उनसे भी जरूर बात करिएगा, कैमरे के सामने आई है बात करने के लिए वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महिला है, इन्होंने भी आज जो है मतदान किया है। आप ये बताइए नाम क्या है आपका? मुशर्रत जहां। मुशर्रत जी, ये बताइए कि आज आपने जो मतदान किया है किस आधार पे आपने मतदान किया है, क्या चाहती हो यहाँ पर आने वाली सरकारों से? हम तो ये चाहते हैं कि गरीबों का भला हो और नौकरियां मिले, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं आज जो रोजगार कर रहे हैं, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, महंगाई इतनी है कि हद से ज्यादा, जब महंगाई इतनी होगी तो गरीब खाएगा कहाँ से? आप इतना करें कि कम से कम गरीबी दूर करें और सबका भला करें और सबका विकास करें। ठीक है, वही चीज यहाँ पर तो सबका विकास का नारा तो बीजेपी देती है, सबका विकास का नारा बीजेपी देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्या इन्हें मिल पा रहा है? उज्ज्वला योजना का लाभ क्या इन्हें मिल पा रहा है? जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं क्या वो लाभ मिल पा रहा है? आप बात कीजिए माता जी से, वो बहुत ज्यादा बोल रही है और कह रही है कि हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों का विकास हो, गरीबी मिटे, रोजगार मिले, उनके बच्चे जो है उनका भविष्य उज्ज्वल हो। आप बताइए, आप बात कर रही हैं विकास की, रोजगार की बात कर रही हैं, क्या अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ रोजगार का क्या स्तर है, क्या लोगों को रोजगार मिला है, क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं? सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन बस ये है कि बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ना हो, बच्चों को घर घर से एक एक को नौकरी मिले तो सबका पेट भरे और महंगाई कम हो, जिसमें हर आदमी परेशान। जो आप मानती हो महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा। आप तो आप भी आज आपने भी यहाँ पर मतदान यहाँ पर किया होगा, तो आपने किस आधार को बनाकर मतदान किया है, क्या चाहते हो सरकार से, क्या रोजगार की स्थिति है यहाँ पर? जो आंटी ने बोला है वही सेम में बोली, मतलब रोजगार की दिक्कत है और नौकरियाँ नहीं है, सबसे मेन बात तो नौकरियाँ, घर में चारों नहीं है। इमरान, इनसे पूछिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो लाखों सरकारी नौकरियां देंगे जो भी सत्ता में आएंगे, और बीजेपी सरकार कहती है कि हमने 5 सालों में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, तो इनसे पूछिए कि ये क्यों पीछे रह गए, इन तक नौकरी क्यों नहीं पहुंच पाई? अरे बताइए, भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि हमें रोजगार दिया है, आप लोग कह रहे हैं कि हम जब सरकार में हमने तो रोजगार दिए, क्या मानते हो आप? पहले तो सभी बोलते हैं, बाद में पार्टी आने के बाद सब बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बोला रोजगार नहीं मिला, अखिलेश कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दें, तो क्या आप मानते हो इस चीज को? क्या करें, पता नहीं बोल रही कर रहे या नहीं, हम तो कुछ कह रही थी अभी तक, हमने तो मिला ही नहीं है कुछ। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने बहुत रोजगार दिए थे, इस आधार पर चुनाव आए हैं कि युवाओं को रोजगार हमने दिया है, क्या मानते हो आप? और आने वाली सरकार जो अखिलेश है वो भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, कहाँ मिला रोजगार, किसको दिया? अगर पकौड़ा तलना रोजगार है तो वो तो उनका स्वयं का बनाया हुआ है जो कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया उसके लिए? रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है, इंडस्ट्रियां लगाई नहीं गई हैं, किसान मर रहा है, उसके खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और ये कह रहे हैं रोजगार देंगे, कब देंगे रोजगार? 5 साल हो गए, आप चुनाव जीतते हैं 5 साल के, ना कि 50 साल के लिए, आप कहें कि अभी हमने 5 साल हुए हैं राजनीति बात कीजिए, आपका मैप होना चाहिए 5 साल का कि 5 साल में आप क्या करके देंगे। अब अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, तो अगर वो देंगे यूनिट फ्री तो अगली बार वो रिपीट करेंगे। देखिए वही जो है वो बात बार बार यहाँ पर सामने आ रही है, रोजगार को लेकर लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोगों का कहना है कि उन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें पानी की यहाँ पर जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा झांसी में रोजगार फिलहाल बना हुआ है, रोजगार सबसे अहम है झांसी में, यानी कि बहुत सारे बेरोजगार हैं जो झांसी में हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करिए। इमरान क्या बात भाई, आप नाम बताइए। मेरा नाम जय कुमार है। तो आप मानते हैं बुंदेलखंड में रोजगार है या इंडस्ट्री की यहाँ पर बहुत कमी है? इंडस्ट्री की आवश्यकता है कि लोग यहाँ से पलायन काफी कर रहे हैं, मजदूर लोग जाते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, गुजरात में जाते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, 5-7 साल से विदेशी आई रही है,
सरकार ने ऐसा नहीं निकाली निकाली वैकेंसी है, लेकिन उसका भरपूर सहयोग नहीं मिल पाया जनता को, जो मिलना चाहिए। आज लड़के परेशान है, प्राइवेट नौकरी करेंगे तो उसको गुजारा नहीं चल पाएगा, इतनी महंगाई हो रही है। अच्छा, अभी आपने मतदान किया होगा, तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? रोजगारी को लेके या बुंदेलखंड की क्या समस्याओं को लेकर आपने मतदान? जनता को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और उसकी बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई पर भी इनको चाहिए, तो इसलिए ऐसी सरकार को चुने जो जनता के सहयोग में सहायता करे, जनता को सहूलियत दे, विकास दे, रोड दे, अच्छी पानी दे, बिजली दे, शिक्षा दे। शिक्षा से ही हमारे समाज का पहले विकास होगा, अगर जनता पढ़ेगी नहीं तो कैसे उससे आगे चल के उसका विकास होगा? नौकरी के लिए वही तो प्रतिभा बन पाएगा, आगे चल के प्रतियोगिता में भाग ले पाएगा, मेहनत करेगा तभी। तो इसलिए शिक्षा का बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को, जो भी सरकार है वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। देखिए, बुंदेलखंड की एक खासियत है, यहाँ के जो युवा हैं वो जिद्दी बहुत होते हैं, उनका कहना है कि हमें रोजगार चाहिए ही चाहिए है, बिना रोजगार के बिना उसके हम सरकार उसी को चुनेंगे जो इस बार हमें रोजगार मुहैया कराएगी, हमें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करेगी, हमें सड़कें अच्छी मुहैया कराएगी। चलिए ठीक है इमरान, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, ऐसे में अगर ओवरऑल हम बात करें तो 10% जो मतदान है वो हो चुका है। ऐसे में जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर तीसरे चरण की जो चुनावी कवरेज है वो बरकरार है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।